अयोध्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रामनगरी पहुंचे उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने नगर निगम कार्यालय परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण कर वहां पौधारोपण किया। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रदेश के सभी बूथों पर कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित कर केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ने कांग्रेसी विचारधारा से हटकर राष्ट्रवाद की विचारधारा और अंत्योदय के आधार पर संगठन खड़ा किया था। वह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके मार्गदर्शन से आज दुनिया में सबसे ताकतवर रूप में भारतीय जनता पार्टी का यह दल खड़ा है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि भारत विश्व गुरु बने। आज हम लोगों की आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि विश्व गुरु की ओर भारत अग्रसर हो रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ रहा है। जनसंघ के संस्थापक, हम सबके प्रेरणा पुरुष, एकात्म मानववाद के दर्शन के प्रणेता और भारतीय जनता पार्टी इसके पहले जनसंघ के संस्थापक, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म जयंती के अवसर पर अयोध्या आने का सौभाग्य बना मिला और नगर निगम में उनके मूर्ति का अनावरण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज राज्य के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को लेकर 24 तारीख को पूर्व संध्या पर सभी बूथों पर कार्यक्रम होना था। आज भी जो बूथों पर कार्यक्रम होना था, शेष बूथों पर सभी पन्ना प्रमुख बूथ समिति अपने बूथों पर कार्यकर्ता एकत्रित होकर पुष्पांजलि अर्पित करेगा, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा करेगा। आज हमारा प्रधानमंत्री उतरता है या देश का कोई सदस्य भी उतरता है, तो आज ये होता है कि हिंदुस्तान से आए और हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का पूरे देश और विश्व में सम्मान बढ़ रहा है। धीरे धीरे देश का आशीर्वाद, आम जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे और आज मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और आप सबको, पत्रकार मित्रों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।